सिंह जी का प्रागट्य, प्रहलाद की निष्ठा, और वहाँ लगना चाहिए निश्चित रूप से कि प्रहलाद की वह निष्ठा भगवत कृपा प्राप्ति के लिए कितनी आवश्यक है। हम सबको लगना चाहिए कि कैसी निष्ठा कृपा के लिए, भगवत प्रेम के लिए आवश्यक है। उसके लिए सामने आ जाना चाहिए प्रहलाद का उदाहरण। कितने कष्ट, कितनी प्रताड़नाएं, कितनी विपरीतताएं, कितनी प्रतिकूलताएं, लेकिन नाम निष्ठा रंचक भी कम नहीं हुई। कम की तो बात कहाँ, नाम निष्ठा उसी प्रकार और बढ़ती गई जैसे किसी ने सोने को लेकर के कहा कि तेरी चमक बहुत बढ़ गई है, तेरी चमक समाप्त करूँगा। पूछा सोने ने कैसे, कहा कि राख आंच में डाल करके प्रचंड अग्नि को के हवाले तुझे करके बिल्कुल तुझे राख बना डालूंगा। स्वर्ण ने कहा कि ठीक है, और आप जानते हैं कि स्वर्ण को सोने को जब अग्नि में रखा जाता है, आंच दी जाती है, तो सोना नहीं जलता, सोने की खोट जलती है, सोना तो कुंदन बन करके बाहर निकलता है, सोने में और निखार आता है। जिसकी निष्ठा उस ढंग की हो जाती है, वहाँ संसार की परिस्थितियों की आंच, संसार की प्रतिकूलताओं की कितनी प्रचंडता क्यों ना हो, लेकिन वह प्रचंडता भीतर कहीं निष्ठा में कहीं किसी प्रकार से रंच भी कोई कमी होगी, उसे जलाएगी वो आंच, निष्ठा नहीं जलेगी, निष्ठा तो और कुंदन बनकर निखरेगी। और प्रहलाद का उदाहरण तो इस रूप में भी हमारे सामने है कि प्रहलाद को तो होलिका ने अपनी गोद में लिया जलाकर राख करने के लिए, प्रहलाद नहीं जला, होलिका जली, और प्रहलाद की निष्ठा कुंदन बनकर युग व्यतीत हो जाने पर, लाखों लाखों वर्ष निकल जाने पर, आज भी प्रहलाद की निष्ठा एक अमर प्रेरणा बनी हुई है। निष्ठा कैसी हो प्रहलाद, और हम सबको ये सोचना होगा, सोचना चाहिए इस बात को कि हम तनिक सी विपरीत परिस्थिति बनती है, हमारा तो सर भी दर्द करने लग जाए तो हमारा नाम नियम छूट जाता है, पाठ नियम छूट जाता है, आज क्यों नहीं नियम किया, बस आज कुछ शारीरिक समस्या थी, आज यह कर, जरा सी प्रतिकूलता हमारी नाम निष्ठा के आगे प्रश्न खड़ा कर देती है। वहां स्मरण हो जाना चाहिए आज का कथा प्रसंग कि प्रहलाद की नाम निष्ठा, और बड़ी एक प्रेरक बात, कहाँ है तेरा नारायण पिताजी, यह ना पूछो कहाँ है मेरा नारायण, एक अहंकार की भाषा है कहाँ है नारायण, और एक विश्वास की भाषा है कि कहाँ नहीं है नारायण। हमें ऐसा विश्वास जागृत करना है भीतर, और तभी भगवान का प्रागट्य है, तभी भगवान की कृपा की प्राप्ति जीवन में है। तो यहाँ श्रीमद् भागवत कथा इसी रूप में आदरणीय देवी चित्रलेखा जी के द्वारा श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी के धाम में ठाकुर जी की कथा श्रवण करने को मिले, और आज तो इस रूप में हमारे ठाकुर जी जो श्रीमद् भागवत कथा के विश्व भर में एक बड़े अच्छे चिंतक हैं, केवल प्रवक्ता नहीं एक अच्छे चिंतक हैं, वो स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। तो ठाकुर जी की कथा ठाकुर जी के धाम में, और यहाँ इस रूप में यहाँ ठाकुर जी उपस्थित हैं, और वृंदावन में कथा उनकी श्रवण करने को मिल रही हो, जीवन का परम सौभाग्य है, जीवन का निश्चित रूप से ये दिव्य लाभ है, जीवन का एक अक्षय निधि है, जीवन के ये क्षण यह समय जो आपको यहाँ व्यतीत करने को मिल रहा है, और आदरणीय देवी चित्रलेखा जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को। और बस इतनी सी बात और कह करके कि श्रीमद् भागवत कथा में जब निमित्त जुड़ जाता है, लक्ष्य बन जाता है गौ सेवा का, तो तब स्वाभाविक ही स्वर्ण सौरभ संयोग की स्थिति स्वाभाविक बन जाती है। देवी चित्रलेखा जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा गौ सेवा के लिए के भाव से होती है, और यहाँ बहुत निकट ही गौ के नाम पर गौ सेवा के लिए एक चिकित्सालय की स्थापना, उस रूप में भी हमारी ढेरों मंगल कामनाएं। आदरणीय देवी चित्रलेखा जी के गौ माता के प्रति, गौ सेवा के प्रति ऐसे सत्प्रयास की को हमारा वंदन, और ऐसे भाव को हमारा वंदन, और आप सबकी आस्था श्रद्धा को हमारा नमन। आस्था चैनल के माध्यम से लाभ ले रहे सभी श्रोताओं दर्शकों के लिए हमारी हृदय से शुभकामनाएं।
आओ सब जुड़ें अपनी भारतीय परंपराओं से, जुड़ें भारतीय संस्कृति से, जुड़ें श्रीमद् भागवत की इन दिव्यताओं से और गौ सेवा के भाव से। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। पूज्य महाराज श्री के बाद मैं निवेदन करूंगा भागवत भास्कर परम पूज्य श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी के पावन चरणों में कि अपनी रसमय वाणी से हम सभी को अभिसिंचित करें। एक बार जोरदार जयकारा, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अस्ते स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुन दलहरी निर्बाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्धनी बिबिलसत गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीय पदुपंकज पंजरांते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कपबहुत वित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वंदे परमानंदमाधवं अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्यासमंचासीन बाल विदुषी देवी चित्रलेखा जी, मेरे पार्श्व में विराजमान श्रीमद् भगवत गीता जी के परम मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, मेरे दक्षिण पार्श्व में विराजमान देवी चित्रलेखा जी के सद्गुरुदेव महाराज, मेरे सम्मुख विराजमान समस्त विद्वत वरेण्य महानुभाव भगवत चरणानुरागी श्रोत्री वृंद, स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति, पवित्र और सुखद आनंद की अनुभूति हो रही है श्रीधाम वृंदावन की इस पावन धरा पर। ये नन्ही सी बालिका भागवत जैसे महान सदग्रंथ पर व्याख्यान दे रही हैं। ये मैत्रेयी गार्गी मदालसा आदि विदुषी नारियों की भूमि है भारत। उस भूमि में तो ऐसी विदुषियों को उनका प्राकट्य होना ही चाहिए। उनके माध्यम से वैदिक सनातन धर्म की जो मान मर्यादा, उसका जो वास्तविक स्वरूप है, उसको जन जन तक प्रचारित किया जाए, यह आवश्यक है। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज श्रीमद् भगवत गीता को संपूर्ण विश्व में जियो गीता के माध्यम से, उस सूत्र के माध्यम से लोगों को जीने की कला बता रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता ऐसा विचित्र और पवित्र ग्रंथ है, ज्ञान भक्ति वैराग्य का समन्वयात्मक विवेचन श्रीमद् भगवत गीता जी में गोविंद के मुख से निस्तृत वाक्यों के माध्यम से किया गया। उसके बाद श्रीमद् भागवत जी की महिमा प्रकट हुई।
वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। श्रीमद भागवत वेद उपनिषदों का सार है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवतः इदम भागवतम। एक बात बताऊं, भागवत में भगवान की कथा है ही नहीं, भागवत में परमात्मा की कथा है ही नहीं। भक्तानाम भागवतानाम कथा इति भागवत कथा। भागवत में तो भक्तों की कथा है, और भागवत का मतलब होता है जो भगवान का है वो भागवत है। भगवतः इदं भागवतम या भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के मुखारविंद से जो निस्सृत है वो। भाई कथा तो ध्रुव जी की है, और ध्रुव जी की तपस्या, उनकी भावना से प्रसन्न होकर परमात्मा कुछ क्षण के लिए प्रकट हो गए, इसलिए वो हरि अवतार हो गया, लेकिन कथा तो ध्रुव की है ना। ऐसी कथा प्रहलाद की है। अभी प्रहलाद की चर्चा चल रही थी, कैसा अद्भुत प्रसंग है प्रहलाद का। कि न दानम न तपो नैज्य न शौचम न व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या हरिरण्यत विडम्बनम। प्रहलाद जी अपने असुर बालकों को, अपने मित्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं, नदानम, जीवन में दान करना चाहिए, दान होना चाहिए, लेकिन दान परमात्मा को मिला देगा ये कंफर्म नहीं है। तपस्वाध्याय निरतम, हमारे जीवन में तपस्या का बहुत बड़ा महत्व है। तपस्या युक्त जीवन होना चाहिए, लेकिन तपस्या परमात्मा से मिला देगी ये गारंटी नहीं है। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ साक्षात विष्णु का रूप है, लेकिन यज्ञ तुम्हें भगवान से मिला देगी ये कंफर्म नहीं है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, न शौचम न व्रतानि च, सुबेरे 4 बजे स्नान करो, फिर 8 बजे नहा लो, फिर 12 बजे नहा लो, फिर 4 बजे नहा लो, दिन भर पानी में ही पड़े रहो, इससे भगवान मिलेंगे? पर शुद्धि तो होनी चाहिए, पर परमात्मा मिलेंगे गारंटी नहीं है। तो 30 दिन के महीना में 60 दिन भूखे रहो, भगवान मिलेंगे? आज एकादशी का व्रत है, फिर द्वादशी का व्रत है, फिर त्रयोदशी का व्रत है, सोमवार का व्रत है, मंगल का व्रत है, बुध का व्रत है, 30 दिन में 60 दिन भूखे रहो? बोले न व्रतानी च, परमात्मा व्रत उपवास से मिलेगा यह भी कंफर्म नहीं है। तो बच्चे बोले, असुर मित्र बोले, कैसे मिलता है? बोले प्रियते मलया भक्त्या, अमलया भक्त्या प्रियते, परमात्मा को प्रसन्न करना है तो निर्मल भक्ति अंतस्थ में जागृत करो, भगवान को प्राप्त करना है तो अमल भक्ति। अच्छा, भक्ति भी कई प्रकार की होती है, एक निर्मल भक्ति होती है, एक मल भक्ति होती है। भगवान को 11.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, 1.25 करोड़ बदले में मांग लिया, ये मल भक्ति है। और श्रीमद् भागवत में तो लिखा है कि भगवान की भक्ति तो करो, भजन तो करो, माला तो जपो, सत्संग तो करो, लेकिन कभी भी कुछ मांगो नहीं, भगवान से कुछ मांगना नहीं है। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान की भक्ति के बदले यदि भगवान से हम कुछ मांगते हैं तो कदाचित अपनी नजरों में परमात्मा को छोटा बना देते हैं, क्योंकि मांगा तो केवल उसको जाता है, मांगा उससे जाता है जिसको ये मालूम नहीं कि मुझे क्या चाहिए। भाई आपको मालूम नहीं है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, पुत्रम देही धनम देही यशो देही दुसो जही, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो,
लेकिन जो परमात्मा अंतर्यामी है, तुम्हारे अंतर हृदय में विद्यमान है, घटघट बासी है, सर्वांतर्यामी स्वरूप है, क्या उसको मालूम नहीं तुम्हें क्या चाहिए? तो भगवान की भक्ति करने के बाद हम भगवान से कदाचित कुछ मांगते हैं तो अपनी नजरों में भगवान को छोटा बना देते हैं, और वही मल भक्ति है। माला के बदले, भजन के बदले, उपासना के बदले, सत्संग के बदले, भगवत सेवा परायणता के बदले यदि हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो अपनी नजरों में भगवान को छोटा बनाते हैं, और वही मल भक्ति है। भजन किया है, प्रहलाद जी के ही प्रसंग में आता है भागवत में, भगवान ने प्रहलाद से कहा कुछ मांगो, प्रहलाद बोले नाटक करने की जरूरत नहीं है, ये संसार के भोले भाले प्राणी बिचारे सीधे साधे लोग आपकी 10-5 माला जप लेते हैं, थोड़ी पूजा कर लेते हैं तो आप उनको फंसाते हो, क्या चाहिए? अब उन लोगों की जितनी पहुंच है उतना मांग लेते हैं, कोई कहते हैं पैसा दे दो, कोई कहते हैं सोना चांदी दे दो, कोई कहते हैं बंगला वंगला बनवा दो, कोई कहते हैं एमएलए एमपी बनवा दो। हाँ, जब एमएलए एमपीओं को चुनाव आते हैं तो बड़े अनुष्ठान बैठते हैं, ज्यादा मांगेंगे तो बेटा बेटी मांग लेंगे, और मांगेंगे तो प्रधानमंत्री हो जाए मांग लेंगे, ऊंची पहुंच है ही नहीं। इस भ्रम में मुझे फंसाने की जरूरत नहीं है। भगवान बोले नहीं कुछ तो मांगो, प्रहलाद बोले मांगते वो हैं जिन्हें कुछ मिला नहीं, और जो मुझे मिला है वो तो किसी को नहीं मिला आज तक, फिर मैं मांगू क्यों? तो भगवान बोले क्या मिला है तुझे? कि क्वाहम रजह प्रभवैस्य तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्वतमानुकम्प न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। प्रहलाद जी बोले असुरों के खानदान में जन्म लेने वाला मैं एक तमोगुणी रजोगुणी वृत्ति का व्यक्ति, और क्वतमानुकंपा कहां आपकी विचित्र पवित्र अनुकंपा? भगवान बोले मैंने अनुकंपा क्या की बेटा, मैंने तुम पर कृपा क्या की? तो प्रहलाद जी हंस करके बोले सही सही बताना, आपने कभी ब्रह्मा जी को गोद में बिठा के ठोड़ी में उंगली लगाई है? भगवान बोले याद नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया। आपने कभी लक्ष्मी माता को गोद में बिठा के सिर पे हाथ रखा है? भगवान बोले याद नहीं, तो कभी नहीं किया। आपने कभी शंकर जी को गोद में बिठा के ऐसे आलिंगन करके गले से लगाया है? बोले ऐसा भी कभी नहीं किया। तो न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, जो माता लक्ष्मी को नहीं मिला, जो भगवान भव शिव को नहीं मिला, आपने मुझे गले से लगाया, अपनी जीव से मुझे चाटा, आलिंगन किया, और यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद, आपने दिव्य कर प्रसाद मेरे सिर पर धर दिया, बरदहस्त सिर पर रख दिया, और क्या मांगना है? परमात्मा नृसिंह देव के नेत्रों में आंसू आ गए और बोले नहीं प्रहलाद, फिर भी मुझे देने का मन है, तू कुछ भी मांग ले। पर प्रहलाद तो कह चुके प्रियते अमलया भक्त्या हरिरण्यत विडंबनम, परमात्मा तो अमल भक्ति से मिलता है और तो विडंबना मात्र। तो प्रहलाद बोले अच्छा आप देना ही चाहते तो मांग लूं। भगवान बोले मांग, तू ब्रह्मा का पद भी चाहेगा तो तुझे ब्रह्मा बना दूंगा। ब्रह्मा बोले मेरी गद्दी गई, क्योंकि इसके बाप को वरदान मैंने ही दिया था, क्या पता ये बोल देगा मुझे ब्रह्मा बना दो, भगवान कहेंगे तुम दो इस्तीफा। शंकर जी भी उधर ही खड़े थे, शिव जी बोले हमको तो कोई टेंशन है नहीं, कोई हमारा पद लेना चाहे, हमारी गद्दी लेना चाहे, अभी ले लो भैया। चिता भस्मा ले वो घरल समनम दिक्पट धरो प्रेतावासेसु घोरेसु, भागवत में लिखा भूत प्रेतों के बीच में अपन रहते हैं, दरवाजा है तो दीवार नहीं है, दीवार है तो दरवाजा नहीं, ले लो कोई भी।
इंद्र बोले टेंशन तो हमको, इधर कोई जरा भी तपस्या करे तो मेरा सिंहासन का बोल्ट तो वैसे ही ढीला है। और इसने मांग लिया तो एदम द्रक्षति इदिंद्रह इदिंद्रह एव इंद्रह, पूरा पद चला जाएगा। भगवान बोले जो मांगेगा सो दूंगा बेटा, मांग क्या चाहिए। प्रहलाद बोले तो लाओ तीन वचन भर दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले जो मांगोगे सो देंगे देंगे देंगे। सब देवता घबरा रहे, ब्रह्मा जी वरुण जी यम जी कुबेर जी सूरज जी चंद्र जी इंद्र जी ब्रह्मा जी और शंकर जी साहब। पता है प्रहलाद ने क्या मांगा? नेत्रों में आंसू आ गए और भगवान से बोले मेरे गोविंद कि यदि राशि समय कामान बरास्त्वां बरदर्शभ कामानां हृदय संभं। पर्यंत मेरे मन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा नहीं हो, यही वरदान मुझे प्रदान कर दे। भगवान से कभी मत मांगो, भगवान से कुछ नहीं मांगना, मांगना है तो भगवान को मांगो। परमात्मा क्या क्या चाहिए? बोले आप चाहिए। और संसार की तो कोई मांगने की कामना ही अंतस्थ में प्रस्फुटित न हो, ये भर मांगो ना। और मांगना है तो सद्बुद्धि मांगो, सद्विचार मांगो, सत्प्रेरणा मांगो, भजन की शक्ति मांगो। और हमारी आदत ऐसी बन गई है कि भगवान और भजन को छोड़कर हम सब कुछ मांगते हैं, यही मल भक्ति है। और प्रियते अमलया भक्त्या हरि अन्यत विडम्बनम, अन्य तो विडंबना मात्र है। प्रहलाद चरित्र में तीन धाराएं हैं, भक्ति की तीन धाराओं की व्याख्या है। भक्ति का आरंभ होता है विश्वास से, रक्षिष्यतीति विश्वासो गुप्तृत्व वर्णम तथा। ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय के षट संदर्भ आदि ग्रंथों में बड़ी बृहद व्याख्या की है। विश्वास क्या है? कहते हैं रक्षिष्यतीत विश्वासो गुप्तृत्व वर्णम तथा। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम। विश्वास जरूरी है। भक्ति का मध्य होता है संबंध से और भक्ति का अंत है समर्पण में। श्रीमद् भगवद गीता में, अब आप लोग तो सब सुनते ही हैं, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज यहां विराजमान है परम मनीषी। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण जब उपदेश कर रहे थे तो हर 5 मिनट में बात बदल रहे थे, ध्यान देना। अर्जुन तुम ऐसा करो, बोले करूंगा, फिर बोले ऐसा करो, बोले करूंगा, फिर बोले ऐसा करो, बोले करूंगा। जब 10-15 बार कृष्ण बदलते गए तो अर्जुन ने कहा मुस्कुरा के कि आधा पागल तो मैं पहले ही था, पूरा पागल मुझे तुम बना दोगे। एक बात क्लियर क्यों नहीं बोलते मुझे क्या करना है? तो गोविंद बोले अब सुन लो, यत करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम्। जीवन में जो कुछ भी तुम करते हो, मन मनाभव मत भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु, भक्त मेरे बनो, मन मुझ में लगाओ, यज्ञ मेरे लिए करो और माम नमस्कुरु, यही समर्पण है। बिना समर्पण के भक्ति परिपुष्ट नहीं होती। श्रीमद् भागवत जी के प्रहलाद चरित्र में संबंध विश्वास और समर्पण, इन तीनों का बृहत वर्णन किया है और यही भागवत का सार है, यही भागवत का वास्तविक रूप है। और संबंध विश्वास समर्पण ये तीनों जीवन में आए कैसे?
तो नाम गाने सदा रुचि, नाम गान में रुचि बढ़े। कितनात पि सुनी चेन तरोर पि सहिष्णुना, अमानी नामान देन कीर्तनीय सदा हरि। अपने आप को तिनके से भी ज्यादा छोटा मानो, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनो। सब ही मान प्रद आप अमानी, अमानी ना मान देन, दूसरों को हमेशा सम्मान दो और स्वयं सम्मान की कभी आकांक्षा मत रखो। और जीवन का सर्वस्व, जीवन का परम लक्ष्य भगवन नाम चिंतन और भगवन नाम गान और भगवन नाम का जाप, ये निश्चय बन जाए तो विश्वास भी बढ़ेगा, संबंध भी जुड़ेगा और समर्पण भी हो जाएंगे। इसलिए नाम गाने सदा रुचि, बहुत आनंद पवित्र सुख मुझे मिला। यद्यपि आज प्रथम बार मैंने भागवत कथा देवी चित्रलेखा जी के मुख से सुनी, और ये तो सागर है। मुझे 42वां वर्ष चल रहा है भागवत करते करते, 10 फरवरी से 42वां वर्ष शुरू हुआ। 10 फरवरी 1975 में पहली कथा की थी मैंने मुंबई में। 42वां साल चल रहा है और मैं आपसे सत्य कहता हूं, अभी भी मुझे ये लगता है कि भागवत की ABCD भी मुझे नहीं आती। ऐसा सागर है, इसकी जितनी गहराई में जाओगे, जितना डुबकी लगाओगे, उतनी ऊंचाई भक्ति की तुम्हें प्राप्त होगी। और ये भागवत कोई पोथी नहीं है, किताब नहीं है, ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है। आपके घर में भागवत जी विराजमान हैं, आप भागवत की नित्य आरती करें, पूजा करें, तो आपको कृष्ण दर्शन, कृष्ण पूजा का ही सर्वस्व फल प्राप्त होगा। तो भागवत जब निष्ठा से करते हैं, भागवत जब भाव से करते हैं, भागवत कर्तव्य पथ समझ करके चलने का प्रयास करते हैं, तो भागवत भगवान की स्वयं कृपा बरसती है, स्वयं उनकी कृपा दृष्टि हम पर बढ़ती जाती है। चित्रलेखा जी ने बहुत सुंदर ये भगवत कृपा से, ऐसे सदगुरु की कृपा से गौ सेवा का बीड़ा उठाया है। कभी फरीदाबाद आदि की ओर हम लोग जाते हैं तो मार्ग में मैंने दर्शन किया है वो भागवत गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का, बड़ा पुनीत कार्य है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। भारत माता के माथे से जब तक गौ हत्या का कलंक मिटेगा नहीं, ये राष्ट्र समृद्ध नहीं हो सकता। और हम केवल सरकारों के माध्यम से ये चाहें कि गौ हत्या मिट जाए, मुझे तो नहीं लगता, ये अशक्य है, असंभव है। अभी कुंभ में अपनी कथा के दरमियान पूज्य महाराज श्री भी विराजमान थे, न पूज्य महाराज श्री की अध्यक्षता में ही वहां भागवत के कई कार्यक्रम आयोजित हुए। भक्तमाल कथा भी हुई, पूज्य श्री का गीता उपदेश, पूज्य रामदेव बाबा जी का सुंदर योग शिविर आदि भी चला। तो वहां बहुत चर्चा हुई गौ हत्या को लेकर के, गौ सेवा को लेकर के। घर घर में गौ सेवा हो, गांव गांव में गौशाला हो, और गाय केवल गौशाला में नहीं, केवल अपने घर में नहीं, गाय को अपने दिल में बिठाओ। जिस दिन गाय हमारे दिल में बैठ जाएगी, उस दिन गाय कभी भी रोड पर हमको कूड़ा करकट खाते हुए दिखाई न देगी। गौ माता की सेवा के प्रति दृढ़ संकल्प हम करें। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से कितने लोगों का परिश्रमोपार्जित द्रव्य गौ सेवा के माध्यम से पूज्य देवी जी इस कार्य में लगा रही हैं, ये बहुत बड़ा कार्य है। और उन्होंने ये संकल्प लिया है, गोविंद की कृपा होगी, गौ माता की कृपा होगी, महत्पुरुषों का आशीर्वाद होगा, इस कार्य में सफलता मिलेगी।
मैं पंजाब में एक जगह कथा करने गया तो मुझे वहां लोगों ने बताया कि पंजाब में गौ हत्या करने वाले को अब 10 साल की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना। उसमें पूज्य महाराज जी का, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने उस बिल को वहां पास कराया। हरियाणा में गौ हत्या प्रतिबंध हो गया, राजस्थान में पहले से ही है, मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी प्रतिबंध लग गया। भगवान करे संपूर्ण राष्ट्र में हमारी राष्ट्र माता गौ माता को देवी के स्वरूप में पूजा जाए। और ये कोई एहसान नहीं है, गौ माता में सामर्थ्य है कि तुम सेवा निष्ठा से करोगे तो वो तुम्हारे लिए भार नहीं है, वो तुम्हारे घर को भी पालने की सामर्थ्य रखती है। फ्लैट में रहते हैं, गाय कैसे पालें, घर में गाय कैसे रखें, तो अपनी सामर्थ्य से 2 गाय 4 गाय 11 गाय लेकर के गौशाला में समर्पित करो। बोले इन गायों का सेवा का कार्य है वो हम करेंगे, जो भी खर्च है सारा देंगे, और शुद्ध देसी गौ माता का दूध आपके घर आपको प्राप्त होता रहेगा। गाय को गोद लेने की पद्धति होनी चाहिए जिनके घर में जगह नहीं है। और ऐसे महापुरुष इस कार्य को जो बड़ी दृढ़ता से मूर्त रूप दे रहे हैं, तन से मन से धन से, हम सब लोगों को उनका सहयोग करना चाहिए। और मैं देवी चित्रलेखा जी के गुरुदेव को तो प्रणाम कर ही रहा हूं, इनके माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने ऐसे सुंदर संस्कार इनको प्रदान किए। ये अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हों। भागवत धर्म, सनातन धर्म, गौ सेवा प्रकल्प का उत्तरोत्तर प्रचार प्रसार करें और लोगों को अपने धर्म संस्कृति और गौ सेवा से जोड़ने का कार्य करें, ऐसी मेरी मंगल कामना। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण। एक बार पुनः मंचासीन संतों के चरणों में नमन करते हुए कुछ पावन से जो राशियां गौ सेवा धाम तक जिन भक्तों ने पहुंचाई हैं आस्था टेलीविजन चैनल से जुड़ते हुए, आइए जल्दी से उनके कुछ पावन नाम श्रवण करें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर स्वर्गीय श्रीमती रामकली देवी जी की पुण्य स्मृति में उनके पौत्र श्री विनोद जी ने एक ऑपरेशन सहयोग सेवा राशि 7,100 रुपए की राशि समर्पित की है गढ़ी हरियाणा से। मैं निवेदन करूंगा कि शीघ्रता से मंच पर आएं और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आस्था टेलीविजन से जुड़ते हुए जिन भक्तों ने अपनी पावन सेवाएं समर्पित की, सम्मानीय श्री सुमन मित्तल जी फिरोजाबाद से 5,100 रुपए, सम्मानीय पारस दुबे जी मुंबई से एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए। मैं थोड़ा और समय चाहूंगा आप सभी से शांति का परिचय देते हुए अपना स्थान ग्रहण करते हुए। प्रवीण कुमार जी अपने बेटे अरुण दिया जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नजफगढ़ दिल्ली से 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। सम्मानीय राममूर्ति जी गौतम गगन बरेली से 5,000 रुपए, सम्मानीय राजेश कंडेलवाल जी विराटनगर नेपाल से एक ट्रॉली गौग्रास यानी कि 11,000। आइए आज के तृतीय दिवस के पावन अवसर पर जिन भक्तों ने भी अपनी पावन राशियां समर्पित की उनकी घोषणा कल कथा के समय हम पहुंचाएंगे आप सभी तक। आज कथा के विश्राम आरती के लिए मैं आयोजक परिवार से यानी कि श्रीमती सविता सोरोत जी, सम्मानीय राजन सोरोत जी से निवेदन है कि शीघ्रता के साथ मंच पर आएंगे, मंच पर पधारें और आरती में सम्मिलित होते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। मैं पुनः निवेदन करूंगा आयोजक परिवार से यानी कि यजमान परिवार श्रीमती सविता सरोत जी और सम्मानीय श्री राजन।